आप सभी का हमारे इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है, जो है आईएसओ 9001:2015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि आईएसओ 9001:2015 के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि आईएसओ 9001:2008 के अंदर टोटल 8 क्लॉज थे, जो कि बढ़ के 10 क्लॉज हो गए हैं आईएसओ 9001:2015 के अंदर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेजर चेंज तक बढ़ते हैं। ये जो आईएसओ 9001:2015 जो स्टैंडर्ड है वो अब हाई लेवल स्ट्रक्चर गाइडलाइन को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? ये जो हाई लेवल स्ट्रक्चर की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि जो स्टैंडर्ड का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, वो 10 क्लॉज के अंदर होनी चाहिए। अब ये जो आईएसओ 9001:2015 स्टैंडर्ड है इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है, जो टोटल क्लॉज है वो 10 क्लॉज है, मीन्स वो हाई लेवल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब ये जो हाई लेवल स्ट्रक्चर को इसने फॉलो किया, तो अब आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 9001 और मैनी मोर जो स्टैंडर्ड है आईएसओ के, वो सब हाई लेवल स्ट्रक्चर अब हो गए हैं। मीन्स इजीली इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम पॉसिबल है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आईएसओ 9001 के अंदर 8 क्लॉज थे, आईएसओ 14000 के अंदर 4 क्लॉज थे, ओसास 18001 के अंदर 4 क्लॉज थे, जिस कारण क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। लेकिन अब ये बहुत इजी हो गया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इन सभी स्टैंडर्ड की सभी की हाई लेवल स्ट्रक्चर है। अब ये जो हाई लेवल स्ट्रक्चर है वो आया है एनेक्स एल से, या हम कहें एनेक्चर एस एल से। अब ये जो एनेक्चर एस एल है उसने डिफाइन किया है कि हाई लेवल स्ट्रक्चर के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स है, लाइक 10 क्लॉज की रिक्वायरमेंट और फॉर्मेटिंग, ये सब एनेक्सर एस एल के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा मेजर चेंजेस था आईएसओ 9001:2015 के अंदर सेकंड नंबर का। अब नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस आया है 2008 और 2015 के अंदर। अब क्या क्या टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आया है उसको हम आगे जानेंगे। जो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है इसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट्स। पहले आईएसओ 9001:2008 के अंदर प्रोडक्ट्स का नाम यूज किया गया था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के नाम पे। अभी जो सर्विसेज है ये ऑर्गेनाइजेशन के उस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है जो कि कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस करता है, जैसे कि सर्विसिंग जो कि आफ्टर सेल्स की बात करती है वो सर्विस के अंदर आता है। तो इस तरह से ये टर्म्स चेंज हो गई है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन। अभी जो एक्सक्लूजन है ये पहले आईएसओ 9001:2008 के अंदर यूज किया गया था, लेकिन अब इस टर्म को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है आईएसओ 9001:2015 के अंदर। अब इस तरह की कोई भी टर्म यूज नहीं की गई, इसके जगह एप्लीकेबिलिटी की टर्म यूज की गई है, जो डिफाइन किया गया है, एड्रेस किया गया है क्लोज नंबर 4.3 के अंदर। आल्सो ये डिफाइन किया गया है एनेक्सर के पॉइंट नंबर 5 के अंदर। जो नेक्स्ट टर्म है जो चेंज हुई है वो हुई है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की, जिसको यूज किया गया था आईएसओ 9001:2008 के अंदर, जो कि अब आईएसओ 9001:2015 के अंदर बिल्कुल यूज नहीं किया गया। लेकिन जो सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज है वो किसी सिंगल पर्सन को हम दे सकते हैं, लेकिन सेम वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया गया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स, जो वर्ड यूज किए गए थे आईएसओ 9001:2008 के अंदर, उसको चेंज कर दिया गया एक सिंगल वर्ड जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो चेंज हुई है वो हुई है वर्क एनवायरमेंट की। अब वर्क एनवायरमेंट को ना टर्म देते हुए इसको एनवायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस की टर्म के दी गई है इस आईएसओ 9001:2015 के अंदर। अब जो नेक्स्ट टर्मोलॉजी चेंज हुई है वो हुई है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, जो कि डिफाइन की गई थी आईएसओ 9001:2008 के अंदर, जिसको अब चेंज कर दिया गया है मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिसोर्सेज के नाम पे।
उसके बाद जो परचेज प्रोडक्ट है उसको भी चेंज कर दिया गया है एक्चुअली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के नाम पे। उसके बाद जो सप्लायर है उसका वर्ड भी यूज ना करते हुए एक्चुअल प्रोवाइडर के नाम से यूज किया गया है टर्मिनोलॉजी आईएसओ 9000:2015 के अंदर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेजर चेंज की तरफ बढ़ते हैं जो है आईएसओ 9000:2015 इज ए प्रोसेस बेस्ड। एक्चुअली जो पहले आईएसओ 9000:2008 था, आईएसओ 9000:2000 जो स्टैंडर्ड था वो भी प्रोसेस बेस्ड ही था, लेकिन वहां पर क्लियरिटी नहीं थी, क्लियरली डिफाइंड नहीं था ये सब चीज़ें। लेकिन इस स्टैंडर्ड में आईएसओ 9000:2015 के अंदर क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए। प्रोसेस अप्रोच को बार बार यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया गया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि आईएसओ 9000:2015 अब क्लियर हो गया है कि ये प्रोसेस बेस्ड है। नेक्स्ट मेजर चेंजेस हुआ है आईएसओ 9000:2015 के अंदर कि अब ये इनपुट और आउटपुट दोनों को बहुत फोकस कर रहा है। कैसे फोकस कर रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे प्रोसेस अप्रोच को बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया गया है, बहुत ही ज़्यादा रेफर किया गया है। जब यहाँ पे प्रोसेस अप्रोच की हम बात करते हैं तो यह इनपुट और आउटपुट ऑटोमेटिकली इनके साथ आ जाती है। इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल वहाँ से स्टार्ट होता है, आउटपुट जहाँ की फिनिश प्रोडक्ट जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम खत्म होता है। तो इन सब के बीच में जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस अप्रोच के अंदर आते हैं और उन प्रोसेस के लिए इनपुट्स भी होती है और आउटपुट भी होती है, दोनों को फोकस कंसिडर किया गया है, फोकस दी गई है। तो ये मेजर चेंजेस हैं आईएसओ 9000:2015 के अंदर। अब जो नेक्स्ट मेजर चेंज है वो ये है कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग को यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया है आईएसओ 9000:2015 के अंदर। एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट पिछले स्टैंडर्ड में भी थी आईएसओ 9000:2008 के अंदर, बट इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के नाम से दी गई थी, जैसे कि प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का टर्म यूज की गई थी पिछले स्टैंडर्ड में, इसको रिप्लेस कर दिया गया इस वर्ड को रिस्क बेस्ड थिंकिंग में, जिससे कि यहाँ पर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दोनों को कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट आई है इस रिस्क बेस्ड थिंकिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ते हैं जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इस आईएसओ 9000:2015 के अंदर ये बिल्कुल ही नई रिक्वायरमेंट है जो ऐड हुई है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने इश्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, इश्यूज डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वो सब यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये नई रिक्वायरमेंट है बिल्कुल जो ऐड हुई है इस आईएसओ 9000:2015 के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर चेंजेस हुआ है कि यहाँ पे लीडरशिप एंड कमिटमेंट को ज़्यादा जोर दिया गया है आईएसओ 9000:2015 के अंदर। अब कैसे जोर दिया गया है कि पहले ये रिक्वायरमेंट आईएसओ 9000:2008 के अंदर भी थी, लेकिन वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर देता था अपने अंडर में, बट यहाँ पे कम्प्लीटली डिफाइन किया गया है कि जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वो अकाउंटेबल पर्सन क्वालिटी जो टॉप मैनेजमेंट है वो ही रहेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो QMS के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व करें, डायरेक्ट अकाउंटेबल रहे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई है आईएसओ 9000:2015 के अंदर। नेक्स्ट जो मेजर चेंज हुआ है कि ये अब दूसरे स्टैंडर्ड के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पहले आईएसओ 9000:2008 के अंदर 8 क्लोज थे, लेकिन आईएसओ 14001 के अंदर 4 क्लोज थे, आईएसओ अदर स्टैंडर्ड है उसके अंदर 4 क्लोज हुआ करते थे, ओसास 80001 के अंदर 4 क्लोज हुआ करते थे। तो इससे जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाया करती थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाया करती थी। लेकिन अब जैसे हाई लेवल स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लोजेज हैं वो सेम है हर स्टैंडर्ड में, जिससे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ईजी हो गया है। अब हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं और एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस चैप्टर को बनाने के लिए हमने आईएसओ 9001, आईएसओ 9000 और इंटरनेट इनको रेफरेंस लिया गया। धन्यवाद।